बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हिंदुस्तान में ना कोई शमशान घाट बचा और ना ही कोई कब्रिस्तान के जहां लाशों के अंबार ना लगे हों। लाशों को जलाया जा रहा है कि कोरोना वायरस इस कदर फैल चुका है। आज इस बात पे कोई सियासत नहीं करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि हम वही मुसलमान हैं कि जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे ही मुल्क में फैसल ईदी साहब ने उनको ये पैगाम भिजवाया कि हम आपके साथ खड़े हैं और हमारी तरफ से आपको जो भी इमदाद की जरूरत है हम देने को तैयार हैं। ये एक मुसलमान का, एक इंसानियत का जज्बा है, क्योंकि इस्लाम हमें ये सिखाता है। मैं हिंदुस्तान से एक सवाल करना चाहती हूं कि आज आपकी पुलिस हर मोहल्ले और हर कूचे में जा जाके ऐलान कर रही है कि आप लोग अपनी तरावियों में, अपनी नमाजों में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला कोरोना वायरस को हिंदुस्तान से खत्म कर दे। लेकिन एक सवाल, क्या आप लोग ये जिस वजह से आप लोगों के मुल्क में ये कोरोना फैला है, ये कोरोना मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन हिंदुस्तानियों से मेरा सवाल है कि क्या लॉकडाउन जो आपने पिछले 2 सालों से मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के ऊपर लगाया हुआ है, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उन माओ बहनों बेटियों की आहें, पुकार, सिसकियां अल्लाह ने नहीं सुनी? आज शमशान घाट में जब आप लोग अपने प्यारों को जला रहे होंगे, दफना रहे होंगे, तब आपको ख्याल नहीं आया होगा कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी अपने बच्चों की डेड बॉडीज के लिए भी पीटते थे, रोया करते थे कि हमारे बच्चों की लाशें हमें हिंदुस्तानी फौज दे दे वापस। लेकिन आप लोगों ने उनपे कभी एहसास नहीं किया, उनपे कभी ये नहीं सोचा कि वो भी इंसान है। मजहब तो एक दूसरी साइड पे है लेकिन वो भी इंसान है, लेकिन नहीं आपने सोचा। आज भी मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहूंगी कि आज आप तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर जब पिछले साल आप लोगों ने फतवा लगाया, जब पिछले साल आपने इन पे इंजाम लगाए कि इन लोगों की वजह से कोरोना फैला है और तबलीग को बंद किया जाए, और आप लोगों ने उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस डाल दिए, उनको जेलों में डाला गया, उन पर पाबंदी लगाई गई, तो आज यही तबलीगी जमात वाले उन हिंदुओं को खून दे रहे हैं, उनको अपना प्लाज्मा दे रहे हैं कि आप लोग ठीक हो जाएं। आज मेरा हिंदुस्तान के रहने वाले हर हिंदू से सवाल है कि आप लोग हमसे दुआओं की उम्मीद रखते हैं, हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मजहब हमें इस बात की इजाजत देता है कि किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा हो, किसी भी इंसान के ऊपर मुश्किल आए तो उसके लिए दुआ करना आप पे फर्ज है। लेकिन क्या आपने मकबूजा कश्मीर के रहने वाले लोगों की कभी सिसकियां आहें सुनी है? आज इसी तरह मैं पाकिस्तान को भी कहूंगी कि हमारे मुल्क में भी इस तरह का अजाब नाजिल हो सकता है, उस वक्त से डरे, कश्मीरियों को उनका हक दें। अगर वो खुद मुख्तार रहना चाहें तब भी उनका हक है, अगर वो हमारे साथ रहना चाहें तब भी उनका हक है, जीना आजादी के साथ रहना उनका हक है, उनसे उनका हक मत छीनिए और अल्लाह के अजाब से डरिए। शाम की माएं जो अपने बच्चों की लाशें भी जिनको नहीं मिली, मकबूजा कश्मीर के लोगों को उनके बच्चों की लाशें नहीं मिली, फलस्तीन में क्या जुल्म है, अफगानिस्तान में 2 से 3 उनकी नस्लें तबाह हो चुकी हैं, कश्मीर में 4 नस्लें तबाह हो चुकी हैं, अल्लाह के अजाब से डरिए। याद रखिएगा, आज अगर आप लोग इंसानियत के साथ जुल्म करेंगे तो याद रखिएगा, ना शमशान घाट ना कब्रिस्तान, वहां पे जगह नहीं मिलेंगी। और हमारे नबी की हदीस है कि इस कदर लाशें गिरेंगी कि अगर एक बाप के 100 बेटे होंगे तो 99 बेटे जो हैं वो कत्ल किए जाएंगे। अल्लाह के अजाब से डरें, कश्मीरियों की आहें और बददुआएं और सिसकियों से डरें। हिंदुस्तान के लोगों से मैं कहना चाहती हूं, आज अपने प्यारों को खो रहे हैं तो सोचें कि कश्मीर के लोग पिछले 73 साल से लाशें दे रहे हैं, अपनी बेटियों की असमतें दे रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ आजादी मांगते हैं। डरें इस वक्त से।